तो भाई लोग धूप पड़ रही, मेरे मुंह पे। और ये है CFU, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, जो मेन यूनिवर्सिटी है, इसका मेन एंट्रेंस। इसकी ऐसे तो इंडिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसके अंदर कई सारे कॉलेजेस आते हैं। जैसे अगर मैं बात, जम्मू यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर आता है जम्मू मेडिकल कॉलेज, वैसे ही हमारी जो मेडिकल अकेडमी है वो अंडर आती है क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आती है हमारी मेडिकल अकेडमी, उसके अंदर आती है तुम्हारी लॉ अकेडमी, उसके अंदर आती है इंजीनियरिंग अकेडमी, उसके अंदर आती है तुम्हारी जो डिग्री अकेडमीज होती हैं कई सारी, जहाँ तुम डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, वो सब आते हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो जो हमारी मेडिकल अकेडमी है पूरे क्रीमिया में एक है, और वो आती है अंडर CFU के। धूप काफ़ी ज़्यादा मेरे मुँह पड़ रही है, चेहरा भी अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, पर मैंने सोचा तुमको दिखा दूँ एक एंट्री कहाँ से होती है कहाँ से नहीं। बस उतरती है यहाँ पे, यहाँ से बस उतरना होता है यहाँ पे इस तरफ से, तो जो बस मरीजों के लिए पकड़ जाती है वही तुम्हें CFU में पहुँचा देगी। उस बस पे लिखा होता है कफू, तो वहाँ कफू पूछोगे तो तुम्हें आराम से पहुँचा देंगे यहाँ पे। तो जैसे हम अंदर जाते हैं, तो अंदर जो CFU का मेन ऑफिस है वो अंदर है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, देखो। तो अब यही है मेन, जो पीछे ऑफिस दिख रहा है CFU की मेन बिल्डिंग यही है। यहाँ पे तुम्हारे कई सारे जो मेडिकल एकेडमी के, लॉ एकेडमी के, उसके अलावा इंजीनियरिंग एकेडमी के, अलग अलग एकेडमीज़ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कुछ अगर CFU कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैशन, कोई फैशन शो करता है ना, फैशन कम्पटिशन, तो उसमें हर एक अकेडमी के जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं यहाँ पे, तो वो कम्पीट करते हैं, उनमें से जीतता है वो मिस CFU या मिस CFU या मिस्टर CFU बनता है ऐसे कुछ। और जैसे कई सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते रहते हैं, कई सारे क्लब्स हैं CFU के, जिसमें अलग अलग अकेडमीज़ के बच्चे मिलते हैं। हमारी मेडिकल अकेडमी का भी एक बहुत बड़ा क्लब है, क्योंकि हमारी अकेडमी में ही 8,500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 7,000 to 8,000 स्टूडेंट्स अभी आर करंटली स्टडिंग इन आर मेडिकल अकेडमी। तो तुम लोगों को ये कंफ्यूज नहीं करना मुझे कि क्या है कि CFU अलग है, मेडिकल अकेडमी अलग है। तुम लोगों को जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ऐसा कई स्टेट्स में होता है। तो ऐसा ही CFU के अंदर आता है हमारी मेडिकल अकेडमी, उसके अलावा कई सारी मेडिकल जो अदर अकेडमीज़ होती हैं, अदर कॉलेजेस होते हैं वो आते हैं। फिर तुमको कन्फ्यूज़ नहीं करना था, कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमें दिखाया CFU के नाम पे, ये है CFU असली में यही है, लेकिन जो मेडिकल अकेडमी है वो हमारी क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल अकेडमी है वो तुम्हें पता ही है, जो मैंने दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो अंदर अगर मैं जाऊँगा नहीं, राइट नाउ इट्स टू हॉट, राइट नाउ 38 degrees Celsius है, और मुझे तुमको दिखाना था ताकि तुम लोगों की क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो यही तुमको बताना था, और आई रियली होप इस वीडियो से तुम लोगों को मदद कुछ हेल्प हुई होगी। और इसके साथ में ही है बिस्कोलावल ओलिसा, वहाँ पे है हॉस्टल नंबर 6, वहाँ पे है हमारे लिए स्पेशल इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत होती है जो हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी अकेडमी सॉल्व नहीं कर पाती, वो वहाँ पे जाके तुरंत सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे आना भी आसान है, पर थोड़ी दूर है हॉस्टल से, इसलिए बच्चे आते नहीं। वो मैं जहाँ से जाऊँगा वहाँ पे वो तुम्हें दिखाऊँगा, वहीं पे हम वीडियो को एंड करेंगे। तुम लोगों को बस ये दिखाना था, एक क्वेरी सॉल्व करनी थी। आई रियली होप ये वीडियो से तुम्हारा कुछ ना कुछ सॉल्व हो गया होगा, और हाँ इसी बात में लाइक कर दो, मैं तुम मिलता हूँ बिस्कोलावल पहुँच के। हेलो, तो मैं पहुँच चुका हूँ हॉस्टल नंबर 6 CFU के बिस्कोलावल ओलिसा में। तो जैसे मैंने तुम लोगों को CFU दिखाया था और तुम्हें मैंने बताया था, ये जो हॉस्टल है यहीं पे है हमारा फैकल्टी का जो ऑफिस है इंटरनेशनल अफेयर्स का, जो तुम्हारे काम हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता, मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता, मेडिकल अकेडमी में नहीं हो पाता, वो काम सारे यहाँ तुम्हारे 5-10 मिनट में हो जाते हैं।
जो काम तुम्हें 2 दिन का लगता है वहाँ पे 2-3 दिन के लिए बोल देंगे, 3 दिन लगेंगे, वो काम तुम्हारे यहाँ पे हार्डली 1 दिन में हो जाता है। क्योंकि हमारे मेडिकल एकेडमी को भी जब कोई क्लियरेंस चाहिए होती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कोई ऑफिशियल, तो पहले वो यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ से क्लियरेंस लेते हैं, उसके बाद हमें देते हैं। तो अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाके वो अपनी बात कर लो तो वो काम तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। अंदर जो जो ऑफिसर्स बैठते हैं उनको इंग्लिश आती है तो तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। तो इस जगह का मैं जो एड्रेस है वो तुम्हें डाल दूँगा। दूर है हॉस्टल से तो यहाँ पर इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते, बट अगर तुम्हें किसी काम की जल्दी है और वो यूनिवर्सिटी वाले हमारी मेडिकल अकेडमी वाले देर लगा रहे हैं तो तुम यहाँ पे आके अपना काम करवा सकते हो। जो हमारा विष्णु नरोद्रम डिपार्टमेंट है, जैसे कि जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट यहीं पर है। जो तुम्हारे अगर तुम्हारे एग्ज़ाम से कोई दिक्कत है, ऐसी कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं, फीस स्ट्रक्चर को लेके कुछ भी दिक्कत होती है तो तुम्हें यहाँ पे आके बात कर सकते हो। तो हाँ, तो मैंने ये दिखाना था, तुम्हें एड्रेस दिखा देता हूँ। CFU तो मैंने तुमको दिखाई दिया है और CFU और हमारे मेडिकल अकेडमी में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, तो यही तुम्हें बताना था। दोस्तों तुम लोगों ने दिखा दिया, तुम लोगों को मैंने एड्रेस भी दिखा दिया। जो यहाँ के एड्रेस का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, जो लोकेशन है यहाँ की भी और CFU की भी। तो अगर तुम्हें कभी मन हो CFU के साथ बोटानिकल गार्डन भी है उसका, अगर तुम CFU तक पहुँचते हो तुम्हें सामने जगह बोटानिकल गार्डन तुम्हारा मन है तो वहाँ पर घूमने भी आ सकते हो। तो यही तुम लोगों को दिखाना था। आई रियली होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो थैंक्स। तो मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।